कैसी हो दोस्तों आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं, हमारे दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। और आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा ये ब्लॉग रक्षाबंधन के दूसरे दिन का है, यानी कि 20 अगस्त दिन मंगलवार का। तो दोस्तों हमारी थोड़ी तबीयत खराब सी हो गई थी रक्षाबंधन के बाद, तो वीडियो बनाने में मन नहीं लग रहा था, तो हमने रक्षाबंधन के बाद कोई वीडियो नहीं बनाया था। और दोस्तों इस वीडियो को भी एडिट नहीं किया था, तो अब हम इस वीडियो को एडिट कर आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मामी के घर से। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर हो गई है, अभी आए हैं हम अपने घर से। तो घर पर हम अकेले थे तो मन नहीं लग रहा था हमारा घर पर, तो हम आ गए हैं मामी के घर दोस्तों। तो यहाँ पर मौसी वगैरह सभी रिश्तेदार हैं, तो अच्छा लग रहा है। घर पर हम अकेले थे तो अच्छा ही लग रहा था, तो इस वजह से हम मामी के घर आ गए हैं। तो सभी लोग बैठे हैं दोस्तों, बातें चीतें चल रही हैं, तो अच्छा लग रहा है दोस्तों। और दोस्तों हम दिखाते हैं आप लोगों को भिंडी के पेड़। तो दोस्तों देखिए हमारी मामी के घर बहुत सारे भिंडी के पेड़ लगे हैं और इसमें भिंडी भी लगी है बहुत बड़ी बड़ी। मम्मी बता रही हैं अभी हमने 2-3 दिन पहले भिंडी तोड़ ली है, बहुत भिंडी लगी थी इसमें। तो दोस्तों देखिए कितनी बड़ी बड़ी भिंडी लगी है। और हमारे इधर भी पहाड़िया पर एक पेड़ लगा है भिंडी का, उसमें भी बहुत भिंडी फलती है। और दोस्तों देखिए ये हमारे सबसे छोटे देवर जी यानी कि छोटी मामी के लड़का है। तो हमारे देवर जी कुछ काम से जा रहे हैं मार्केट। और देखिए दोस्तों हमारी गौ माता और नंदी भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। जो नंदी भगवान हैं तो वो शिवरात्रि को हुए थे, और जो हमारी गौ माता है वो पहले हुई थी शिवरात्रि के। तो दोस्तों देखिए दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं। तो दोस्तों अब जा रहे हैं हम छत पर कुछ दिखाने के लिए आप लोगों को। तो दोस्तों पहले तो ये देखिए गमले में तुलसी माता लगी है, काली वाली है। और दोस्तों टब के नीचे हैं भुजरियाँ। तो दोस्तों आज भुजरियाँ सड़ेंगी, तो हम आप लोगों को भुजरियाँ ही दिखाने आए थे। तो दोस्तों देखिए कितनी अच्छी भुजरियाँ जमी हैं पीली पीली। तो हमारे इधर इनको भुजरियाँ बोला जाता है, और आप लोगों के इधर क्या बोला जाता है इनको, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। और दोस्तों हमने अपने घर तो नहीं बई हैं भुजरियाँ, मामी के दर ही बबी हैं, तो हम लोग यहीं से जाएंगे भुजरियाँ सराने के लिए। और देखिए दोस्तों मामी की छत पर कितने सुंदर प्लांट रखे हैं, कितने सुंदर फूल खिल रहे हैं इसमें, पिंक और वाइट। देखिए दोस्तों बहुत सारे लगे हैं, कम से कम 4-5 खपरन में लगे हैं, कट्टियाँ में और खपरे में मटका में। तो बहुत सुंदर लग रहे हैं दोस्तों ये फूल। और दोस्तों देखिए मामी की छत पर से कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पर से भी चारों तरफ खेत ही खेत दिखते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं नीचे, क्योंकि मौसी वगैरह मामी वगैरह मार्केट जा रही हैं कुछ लेने के लिए। तो दोस्तों नीचे चलते हैं, काम कर लेते हैं शाम के 3:30 बज गए हैं, क्योंकि फिर भुजरियाँ सिराने भी जाना है, मामी लोग मार्केट से आ जाएंगी। तो दोस्तों अब हम सबरे काम कर लेते हैं, भुजरियाँ सिराने जाएंगे, तब मिलते हैं हम आप लोगों से। कहा लगा रहे भुजरियाँ, ले जाओ बता रहे दिखाई भुजरियाँ तो बताओ। अच्छा ऊपर करो ना, कैसे बनाया भुजरियाँ बामदारी में, तो बापे झूला पे झुला के देख ली, झूलो झुलाओ जात देखिए गाइस तो हम लोग जा रहे हैं सिखाने का, चला रहे हैं, कमेंट में जरूर बताना। ये हमारे पतिदेव थोड़ी गुस्सा रहते हैं। तो दोस्तों सभी लोग आ गए हैं बाहर, और बाहर पेड़ पर झूला डला है, तो झूले पर झूला रहे हैं भुजरियाँ को, तब सिराया जाता है, पहले झूला झुलाया जाता है। तो मुझे तो पता ही नहीं था दोस्तों,
पहली बार देख रहे हैं झूला जलाकर भुजरियाँ सिलाई जाती हैं। तो यहाँ पर मौसी और काजल ने भुजरियों को झूला झुला दिया है और अब चले हैं भुजरियाँ सिलाने के लिए। तो दोस्तों सभी लोग तो आगे कड़ गए हैं, मम्मी वगैरह सभी लोग, मौसी वगैरह हम ही लोग रह गए हैं। तो पीछे हम ही लोग जल्दी जल्दी चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, 5:30 बज गए हैं। तो दोस्तों चले हैं, आप लोग भी आ जाइए भुजरियाँ सिलाने के लिए। और दोस्तों आप लोगों के इधर कैसे सिलाई जाती हैं भुजरियाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। और अलग अलग जगहों पर अलग अलग रीति रिवाजों से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो दोस्तों हमारे इधर इस तरीके से सिलाई जाती हैं भुजरियाँ, तो आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखना। रास्ते में मिल गए हैं रिश्तेदार, तो हम लोग यहाँ पर रुक गए हैं। तो ये हमारी मौसी सास की बहू मिल गई हैं और उनका लड़का यानी कि हमारे जेठ जिठानी जी मिल गए हैं। तो उन्हीं से हम लोग बातचीत कर रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों हम लोगों ने बहुत रोका दीदी को और भाई साहब को, लेकिन ये लोग नहीं रुके हैं। तो दोस्तों ये लोग चले गए हैं अपने घर के लिए और हम लोग भी चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं मेला में। तो दोस्तों देखिए बहुत भयंकर मेला भरा हुआ है बाहर। तो दोस्तों अंदर जाना है हम लोगों को, पालनदेवी के अंदर तालाब है तो वहाँ पर जाना है दोस्तों। तो हम लोग लौट कर मेला भी देखेंगे। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं कालिंदरी भुजरियाँ सिलाने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए कितने भयंकर भीड़ है, जहाँ देखो जहाँ भीड़ ही भीड़ दिख रही है। और दोस्तों कोई भुजरियाँ सिलाकर जा रहा है, कोई भुजरियाँ सिलाने के लिए आ रहा है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए कितने सारे भुजरियों के दोना डले हुए हैं, फूटी हुई। तो दोस्तों कोई दोना में बहता है, कोई पत्तल में बहता है, मतलब पत्तों की पत्तलों में। तो दोस्तों देखिए कितने सारे दोना पत्तल डरे हैं। और दोस्तों हमारी मामी और उन्होंने तो डलिया में बोई थी भुजरियाँ, तो डलियों को घर रखाई हैं और भुजरियाँ भुजरियाँ को उठा लाई हैं। तो दोस्तों अब हम लोग भी चलते हैं भुजरियाँ खोटने के लिए। और दोस्तों एक चीज़ तो हम लोग लाना ही भूल गए हैं। तो दोस्तों ब्लेड से काटी जाती हैं भुजरियाँ, तो वो चीज़ भूल आए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ब्लेड डले हुए थे, तो मामी और उन्होंने यहीं से ब्लेड उठा लिए हैं। तो भुजरियों को काटेंगी दोस्तों, देखिए इस तरीके से काटेंगी भुजरियों को। देखिए ये हमारी मामी जी और मौसी जी काट रही हैं भुजरियाँ को, ब्लेड को धोते जा रही हैं और भुजरियाँ को काटते जा रही हैं। और दोस्तों किसी की भुजरियाँ एकदम हरी हैं, किसी की एकदम पीली हैं। और दोस्तों हमारी भुजरियाँ ना ही पीली हैं ना ही हरी हैं, एकदम सही है। मतलब भुजरियाँ हमारी माना जाता है जो पीली भुजरियाँ होती हैं एकदम, तो वो बहुत अच्छी होती हैं। तो दोस्तों सारी भुजरियाँ खुट गई हैं और भुजरियों को अच्छे से इसी कुंड में धो लिया है। मैं मर जाऊं, मेरे भैया को बचा रहा हूं। तेज बोलती ना, मैं बता दी, मैं मरो मेरे भैया को बता दी। अब ठीक है, बहुत गहरो है वो। तो दोस्तों भुजरियाँ सिला दी हैं, उसके बाद चले हैं मंदिरों के दर्शन करने के लिए। और दोस्तों हाथ में थोड़े से गेहूं ले जाते हैं और पानी में गेहूं को डाला जाता है और ऐसा बोला जाता है, मैं मर जाऊं मेरे भैया को खौ बता दियो। तो ऐसा हम सभी लोगों ने बोला है। और दोस्तों हमने ऐसा पहली बार देखा है, सुना है, ऐसा हमारे मायके में तो नहीं होता था, तो हमने ऐसा किया है, हमारे ससुराल का ऐसा रिवाज है। तो दोस्तों आप लोगों के इधर ऐसा बोला जाता है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों मुझे तो कहना ही नहीं आ रहा था, लेकिन बड़े मुश्किल में कह पाई है हमने, जब 2-3 बार हमें सब ने बताया तब कह पाई है हमने। और दोस्तों हम लोग मंदिर के दर्शन कर आए हैं और अब चले हैं मेला देखने के लिए। तो मामी और आगे निकल गई हैं, हम लोग थोड़ी पीछे रह गए हैं, तो हम लोग भी जल्दी जल्दी चलते हैं दोस्तों। तो हम लोग आ गए हैं सबसे पहले खिलौने की दुकान पर। तो दोस्तों हमारा पिल्लू
नरसई बोलकर आया था तो हम तो खिलौना लेंगे बड़ी वाली गाड़ी। तो सबसे पहले खिलौने की दुकान पर आ गए हैं दोस्तों। तो पिल्लू के लिए यहाँ पर गाड़ी देख रहे हैं। तो हमारे पिल्लू की सबसे महंगी गाड़ी पर निगाह गई है, 350 की गाड़ी आ रही है रिमोट वाली, तो वो मांग रहा है। तो हमने वो नहीं दिलाई है दोस्तों, क्योंकि ये 2-3 दिन गाड़ी चलाता है टूट टार के फेंक देता है। तो दोस्तों हम लोगों ने मेला देख लिया है और मेले में से पिल्लू को और आरवी को खिलौने दिला दिए हैं। तो दोस्तों आरवी को क्रोकोडाइल दिला दिया है, उसमें लाइट मिलक रही है, और पिल्लू को भी कार्ड दिला दी है, इसमें भी लाइट मिलक रही है दोस्तों। तो दोस्तों मेला देख लिया है, बहुत मज़ा आया है मेला में। तो आप चलते हैं घर के लिए, और हमने भी गुलदस्ता लिए हैं, डलिया वगैरह लिए हैं, तो वो सब घर पर दिखाएंगे हम आप लोगों को। तो दोस्तों मामा जी की टमटम खड़ी हुई थी वहीं पर, क्योंकि हमारे मामा जी टमटम चलाते हैं, तो उन्हीं की टमटम से आ गए हैं हम लोग घर पर। और दोस्तों ये देखिए हमारा पिल्लू आरवी की भी गाड़ी लिए हैं और अपनी भी गाड़ी लिए हैं, और हमारी मामी जी बहुत सारी डलियाँ लाई हैं। तो दोस्तों हम लोगों को मामा जी ने घर पर उतार दिया है, और अब हम लोग चलते हैं घर के लिए। और हाथों में भुजरियाँ लिए हैं, तो यहीं से बांटते जा रहे हैं सभी को भुजरियाँ, और राम राम बोलते जा रहे हैं, वो सभी को भुजरियाँ देते जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए जो मिलेगा रास्ते में सभी को भुजरियाँ देंगे और राम राम बोलेंगे सभी से। चलो तो दोस्तों ननन जी ने पिल्लू को भी भुजरियाँ दे दी हैं, और पिल्लू ने भी ननन जी से आशीर्वाद ले लिया है दोस्तों। तो दोस्तों अब पहुंच गए हैं घर पर, और दोस्तों यहाँ पर देखिए मामा जी ने धुआं कर दिया है पशुओं के लिए। तो दोस्तों बरसात का टाइम चल रहा है और मच्छर इस समय इतने बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो पशुओं को धुआं कर दिया है दोस्तों, और दोस्तों ननन जी ने भी मामा को गुजरियाँ दे दी हैं। तो ये हमारे मझले मामा हैं, और ये हमारी नानी सास और नाना ससुर हैं। तो नाना हमारे लिए ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं, तबीयत थोड़ी ख़राब सी रहती है। तो दोस्तों नाना जी को भी गुजरियाँ दे दी हैं, और हमारे नाना जी चल नहीं पाते हैं, कुर्सी की मदद से थोड़ा थोड़ा चल लेते हैं हमारे नाना जी। तो यहाँ पर सभी को एक दूसरे को गुजरियाँ दी जा रही हैं दोस्तों। तो दोस्तों सभी ने एक दूसरे को भुजरियाँ बांट दी हैं, और दोस्तों अब हम भी सभी को भुजरियाँ बांट देते हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी ननन जी को दी है, अब हम मौसी सास को दे देते हैं, और सभी से आशीर्वाद ले लेते हैं। और दोस्तों अब हम छोटी मामी को देंगे, मामी जी हमारे पैर छूंगे, क्योंकि ये हमारी मामी जी हैं, यही हमारी सबसे छोटी मामी जी। तो दोस्तों किसी से हम आशीर्वाद ले रहे हैं, तो किसी को दे रहे हैं आशीर्वाद। और दोस्तों यहाँ पर हमारी मामी जी पिल्लू को भी दे रही हैं, तो पिल्लू भी सबसे आशीर्वाद ले रहा है दोस्तों। और दोस्तों त्योहारों में बहुत अच्छा लगता है जब पूरा परिवार इकट्ठा हो, और दीदी वगैरह ननन जी वगैरह रिश्तेदार वगैरह आए, तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों त्योहारों में। और दोस्तों ये है हमारी मझली मामी, तो मझली मामी भी हमसे आशीर्वाद ले रही हैं, तो हमने मझली मामी को आशीर्वाद दे दिया है। और दोस्तों यहाँ पर हमारा पिल्लू सभी से आशीर्वाद ले रहा है, और सभी को भुजरियाँ दे रहा है दोस्तों। और ये हमारी मोहल्ले की मामी है जो क्रीम कलर की साड़ी पहने हैं, तो वो भी भुजरियाँ देने के लिए आई हैं। आओ, 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 आओ
ना मंजन ले जाओ। तो दोस्तों सबसे बाद में दे रही हूँ अपने सासू माँ को भुजरिया, क्योंकि हमारी सासू माँ मेले से आते ही गाय का दूध निकालने लगी थी, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, 7 बजे का टाइम हो गया है, तो वो आते ही दूध निकालने लगी थी और अब वो सभी को भुजरिया दे रही हैं और हमने भी उनको भुजरिया दे दी हैं। और दोस्तों देखिए ये गुलदस्ता लाए हैं हम मेले से, तो दोस्तों आप लोगों को ये गुलदस्ता कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना, और मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं दोस्तों ये गुलदस्ता, तभी तो हम ये लाए हैं। तो दोस्तों लाइट नहीं आ रही है तो हम इसी के साथ लेते हैं आप लोगों से विदाई। तो दोस्तों हमारा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगा तो अपने प्यारे से हाथों से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे, हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में।